चैनल एंड जैसा कि हम अपनी लास्ट वीडियो में वुदरिंग हाइट्स की समरी डिस्कस कर रहे थे, तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज उसकी जो समरी है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर लिया था, अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 से 14 तक एंड देन 15 to 20। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 10 की। तो चैप्टर 10 की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, जो लॉकवुड है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उसका एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब होता है वुदरिंग हाइट्स पे, जिसके कारण वो कुछ 4 से 5 हफ्तों के लिए बीमार पड़ जाता है। और वो ट्रिश क्रॉस क्रांच, जहाँ पे वो एज अ टेनेंट रहता है किराएदार, वहाँ पे वो रेस्ट करता है। और हिथक्लिफ होता है, यानी वुदरिंग हाइट्स का जो ऑनर होता है, वो उससे मिलने आया होता है ये देखने के लिए कि अब जो लॉकवुड है वो कैसा है। उसके बाद हिथक्लिफ उससे मिलने आता है और वो थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नेली जो है, नेली से वो पूछता है कि आगे स्टोरी में क्या हुआ था। तो नेली उसे बताती है कि जब बीच में 3 साल का गैप आता है, या हम कह सकते हैं एक तरीके से स्टोरी में 3 साल का लीप आता है, इन 3 सालों में जो हेथक्लिफ है वो कहाँ गया, कहाँ रहा, उसके बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं होते। और इधर एडगर और कैथरीन की जो है शादी हो जाती है। उनकी शादी होने के 6 महीने बाद हेथक्लिफ वहाँ वापस आता है, जिसके कारण जो कैथरीन है वो बहुत ही खुश हो जाती है, और क्योंकि उसके लिए आज भी वो अफेक्शनेट फीलिंग्स फील करती है, जिसकी वजह से जो एडगर है वो काफ़ी जेलस फील करता है। और वो कैथरीन से बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब एडगर जो है वो उसका हस्बैंड है, हेथक्लिफ नहीं है। जब हेथक्लिफ वापस आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका होता है, जैसा कि उसकी रफ लुक होती है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो प्रॉपर एक काफ़ी रिच लुकिंग होता है, काफ़ी चेंज हो चुका होता है, जेंटलमैन लुक होता है उसका, और काफ़ी स्मार्ट और गुड लुकिंग होता है। उसके बाद हिंडले हेथक्लिफ को इनवाइट करता है कि वो आए और वो वुदरिंग हाइट्स में रहे, जिसके कारण जो कैथरीन है और जो नेली है वो काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि जो हिंडले था वो हमेशा ही हेथक्लिफ से नफरत करता था, लेकिन अब क्योंकि हेथक्लिफ के पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी और पैसा आ गया है, तो उन्हें पाने की लालच में जो हिंडले है वो हेथक्लिफ को अपने पास अपने वुदरिंग हाइट्स में बुलाता है रहने के लिए, और वो गैम्बलिंग कर रहा होता है अपने कुछ दोस्तों के साथ, और हेथक्लिफ भी उसे वहाँ पर ज्वाइन करता है। धीरे धीरे क्या होता है, जो कैथरीन और इसाबेल हैं वो उनके घर यानी वुदरिंग हाइट्स आना जाना शुरू कर देते हैं, और कैथरीन ये ऑब्जर्व करती है कि जो इसाबेला है वो हेथक्लिफ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, फैसिनेटेड हो रही है। अब चैप्टर नंबर 11 में क्या होता है, जो हेथक्लिफ है वो नेक्स्ट डे थ्रिश क्रॉस ग्रैंड जाता है और वो इसाबेला से मिलता है। तब कैथरीन वहाँ पर आती है और वो उससे पूछती है कि क्या वो सच में इसाबेला से प्यार करता है, तो वो एडगर को राज़ी कर लेगी इसाबेला और हेथक्लिफ की मैरिज के लिए। लेकिन जो हेथक्लिफ है उसका ओनली मोटिव होता है कि वो इसाबेला से शादी करके उससे रिवेंज लेना चाहता है, क्योंकि एडगर ने कैथरीन से शादी की थी। सिर्फ वो रिवेंज के लिए उससे शादी करना चाहता है, अदरवाइज उसके लिए, उसके अंदर इसाबेला के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती। उसके बाद जब नेली ये बातें उनकी सुन लेती है और वो जाके एडगर को बताती है, जैसे वो एडगर को बताती है तो एडगर वहाँ पर आता है और हेथक्लिफ तभी वहाँ से चला जाता है। एडगर को लगता है कि जो कैथरीन है वो उसे चीट कर रही है, उसे धोखा दे रही है, और हेथक्लिफ के साथ वो अभी भी रिलेशनशिप में है। ये बात सुनने के बाद जो एडगर है वो कहता है कि या तो उसे हेथक्लिफ को चुनना होगा या फिर एडगर को चुनना होगा। ये बात सुन के वो इतनी परेशान हो जाती है कि वो खुद को 3 दिन तक एक रूम में बंद कर देती है और कुछ खाना नहीं खाती। उसकी जो तबीयत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अबाउट चैप्टर नंबर 12, सो इस चैप्टर में क्या होता है, जो कैथरीन है वो फाइनली सर्वेंट्स को परमिशन दे देती है कि वो अंदर खाना ला सकते हैं और वो कुछ खाती है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इवन वो ये बिलीव करती है कि वो बचेगी नहीं, वो कुछ ही टाइम बाद मर जाएगी।
नेली जो कि उस कंडीशन को देख के बहुत परेशान हो जाती है, वो तुरंत डॉक्टर को वहाँ बुलाती है और एडगर भी वहाँ आता है। इतनी देर में पता चलता है कि जो हेथक्लिफ है वो इसाबेला को लेके अब भाग गया है, और एडगर ये अनाउंस कर देता है कि आज के बाद इसाबेला से उसका कोई रिश्ता नहीं है, वो उसकी सिस्टर सिर्फ नाम के लिए वो उसे सिस्टर नहीं मानता। देन चैप्टर नंबर 13, क्योंकि जो कैथरीन है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो जो एडगर और नेली हैं वो 2 महीने तक उसकी देखभाल करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आना शुरू होता है। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि जो कैथरीन है वो प्रेग्नेंट है, और इसाबेला और हेथक्लिफ के मैरिज के 6 हफ्ते बाद इसाबेला एक लेटर भेजती है अपने भाई को एडगर को कि वो उसे माफ़ कर दे, और उसने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की है। उसे बताती है कि कैसे नेली को वो एक लेटर लिखती है, इस लेटर में वो बताती है कि किस तरीके से जो हेथक्लिफ, हिंडले और हेयरटन है वो तीनों मिलकर उसे कितना टॉर्चर करते हैं, कितना परेशान करते हैं, और वो एक बार थ्रिश क्रॉस ग्रैंज आना चाहती है नेली से मिलने। नाउ चैप्टर नंबर 14, जो नेली है वो इसाबेला की बात मान जाती है और वो वुदरिंग हाइट्स जाती है उसे मिलने के लिए। लेकिन वुदरिंग हाइट्स जब वो जाती है तब उसे हेथक्लिफ वहाँ मिलता है, और वो उसे पूछता है कि क्या वो कैथरीन से मिलने जा सकता है, जिस पर नेली मना कर देती है। तो हेथक्लिफ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसे कैथरीन से नहीं मिलने दिया तो उसे वो जेल में बंद कर देगा और खुद ही कैथरीन से मिलने चला जाएगा। नेली जो कि उसकी बातों से काफ़ी डर जाती है, वो एक लेटर लेके, हेथक्लिफ का एक लेटर लेके वो कैथरीन के पास जाती है। नाउ चैप्टर नंबर 15-20, लेट्स फर्स्ट डिस्कस 15। सो 15 चैप्टर में क्या होता है, जो नेली होती है वो हेथक्लिफ का लेटर लेके कैथरीन के पास जाती है, और कैथरीन इतनी ज़्यादा वीक कंडीशन में होती है कि वो लेटर पकड़ भी नहीं पाती। लेकिन जैसे ही नेली उसे बताती है कि ये हेथक्लिफ ने लेटर दिया है, वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो लेटर पढ़ना शुरू करती है। जैसे ही वो लेटर पढ़ना शुरू करती है, हेथक्लिफ वहाँ पे खुद ही आ जाता है, और क्योंकि जो एडगर है वो चर्च गया होता है और वो चर्च से वापस आती है, तो नेली हेथक्लिफ को बोलते कि वो वहाँ से जाए, और जैसे भी कैथरीन का जो भी उस लेटर के बदले में जवाब होगा उसे बता देगी। हेथक्लिफ वहाँ से चला जाता है और एडगर वहाँ पर आ जाता है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 16 की, तो इसमें क्या होता है, मिडनाइट का टाइम होता है और कैथरीन एक बेबी गर्ल को जन्म देती है, और उसके 2 घंटे बाद ही कैथरीन की मौत हो जाती है। उसके बाद एडगर जो है वो एक विगिल यानी जो चुन्नी होती है वो कैथरीन के बॉडी से कवर करता है, और नेली ये बात हेथक्लिफ को बताने वाली होती है, लेकिन हेथक्लिफ वहाँ पहले ही पहुँच जाता है और उसे बोलता है कि वो ऑलरेडी ये सब जानता है। जब एडगर अंदर चला जाता है तो नेली उसे अलाउ करती है वो कैथरीन की बॉडी के साथ कुछ देर वहाँ पर रह सकता है, और एडगर ये अनाउंसमेंट करता है कि उसे लिंटन फैमिली में नहीं बल्कि जिन मूर्स में कैथरीन बचपन में अपने चाइल्डहुड में खेला करती थी वहाँ पे उसकी बॉडी को दफनाया जाएगा। अब चैप्टर नंबर 17, कैथरीन की फ्यूनरल के कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो इसाबेला होती है वो थ्रिश क्रॉस ग्रैंड जाती है नेली से मिलने, और वो उसे सारी बातें बताती है कि किस तरीके से जो हेथक्लिफ और हिंडले है उन दोनों के बीच की जो लड़ाई वो कैसे कैसे दिन पर दिन वॉयलेंट होती जा रही है, और हेथक्लिफ को हिंडले जो है वो मारना चाहता है ताकि हेथक्लिफ की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी पैसा है वो हड़प सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि जो हेथक्लिफ है उससे हिंडले ने इतना ज़्यादा कर्ज ले चुका होता है वो, कि वो उसे चुका नहीं पाता, और हेथक्लिफ वुदरिंग हाइट्स को ख़रीद लेता है, अब वो वुदरिंग हाइट्स का ऑनर बन जाता है। धीरे धीरे उसका डाउनफॉल इतना ज़्यादा हो जाता है कि हिंडले की भी जो है वो डेथ हो जाती है, वो भी मर जाता है कैथरीन के मौत के यानी कैथरीन के डेथ के 6 महीने बाद।
इसी दौरान इसाबेला जो है वो पहले थ्रिशक्रॉस ग्रैंज आती है, वो ये सारी कहानी उसे बताती है, और उसके बाद वो वुदरिंग हाइट्स को छोड़कर लंदन चली जाती है करीबन 12 सालों के लिए, और वहाँ पर जाकर वो एक लिंटन नाम के बच्चे को जन्म देती है जिसके बारे में हीथक्लिफ को पता होता है, लेकिन वो उसे वापस लेने नहीं जाता क्योंकि उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि इधर हिंडले की मौत हो चुकी होती है, तो नेली जब हेयरटन यानी हिंडले के बेटे को जब लेने आते हैं थ्रिशक्रॉस ग्रैंच, तो हीथक्लिफ उसे ले जाने से मना कर देता है और वो बोलता है कि अब उसे एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी जैसे हिंडले ने हीथक्लिफ के साथ किया होता है, वो उसे एज अ सर्वेंट ट्रीट करता है। वही सेम चीज़ जो हीथक्लिफ है अब वो हेयरटन के साथ करता है, वो भी उसे कोई एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करता, उसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करता है। चैप्टर नंबर 18, इसमें ये दिखाया जाता है कि जो यंग कैथरीन है वो बड़ी हो चुकी है, 13 ईयर्स की हो गई है वो, और काफ़ी ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट है वो, मूडी है, टेम्परामेंटल हम जिसे कह सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग विल्ड भी है, डिटरमाइंड है। जो एडगर है वो उसे कभी भी घर से बाहर जाने के लिए थ्रिशक्रॉस ग्रैंड से बाहर जाने की परमिशन नहीं देता, और उसे वुदरिंग हाइट्स के बारे में या किसी हीथक्लिफ के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती। इसी दौरान जो एडगर है उसे ये पता चलता है कि जो इसाबेला उसकी सिस्टर जो कि अब लंदन में रह रही थी, उसकी मौत होने वाली होती है, और वो लंदन को लेने के लिए वापस लंदन जाता है। और इस दौरान जो कैथरीन है उसे मौका मिल जाता है कि वो बाहर जा सकती है और घूम सकती है, और वो बाहर जाती है। सडनली वो हेयरटन से मिलती है जिससे उसे सडनली लाइकिंग फील करती है, वो लाइक करती है उसे, लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये कौन है। इधर जो एडगर होता है क्योंकि वो वापस आने वाला होता है और नेली उसे लेने आती है थ्रिशक्रॉस ग्रैंज वापस, लेकिन जो कैथरीन है वो उसे जाने से मना कर देती है और वो बोलते कि वो हेयरटन के साथ यहीं पर खेलेगी। लेकिन जो नेली है वो उसे वापस लेके जाती है और उसे बताती है कि जो हेयरटन है वो वुदरिंग हाइट्स के ऑनर का बेटा नहीं है, इनफैक्ट वो हेयरटन जो है वो उसका ही कज़न है। कैथरीन कंफ्यूज हो जाती है और वो बोलती है कि उसका कज़न वो कैसे हो सकता है, उसका कज़न तो लंदन में रहता है जिसे एडगर यानी उसके फादर जो हैं वो लेने गए हैं। नेली उसे बताती है कि एक चाइल्ड के मोर देन वन कज़न्स हो सकते हैं, और जो कैथरीन है वो मना करती है नेली को कि वो अपने इस विजिट के बारे में एडगर को कुछ भी ना बताए। नाउ चैप्टर नंबर 19, इसमें क्या होता है, जो एडगर है वो लिंटन को लेके घर पे यानी थ्रिशक्रॉस ग्रैंच आ चुका होता है। कैथरीन ये देख के काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाती है कि उसका जो कज़न है वो काफ़ी पेल और काफ़ी वीक है। जोसेफ वुदरिंग हाइट से आता है और वो बोलता है कि जो हीथक्लिफ है वो अपने बेटे का पोजीशन लेना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि जो लिंटन है वो वापस अपने फादर के पास आ जाए। एडगर बोलते हैं कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग लिंटन को वुदरिंग हाइट्स पर छोड़ देंगे। नाउ चैप्टर नंबर 20, नेली को ऑर्डर मिलता है कि वो लिंटन को लेके वुदरिंग हाइट्स जाए। नेली उसे हॉर्स पे लेके जाती है और उसे अपने फादर के बारे में झूठ बोलती है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन जैसे ही वो वुदरिंग हाइट्स पहुँचती है लिंटन हीथक्लिफ यानी अपने फादर से मिलता है, इवन वो कोई लव शो नहीं करता, कोई कुछ प्रिटेंड भी नहीं करता कि वो अपने बेटे से प्यार करता है वगैरह वगैरह। इवन वो उसकी मदर यानी इसाबेला को एक स्लट बोलता है और वो बोलता है कि जो लिंटन है वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसे प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता है। लिंटन बोलता है नेली को कि वो उसे ऐसे एक मॉन्स्टर के पास ना छोड़कर जाए, लेकिन नेली कुछ कर नहीं सकती, तो वो नेली जो है वो लिंटन को वहाँ छोड़कर हॉर्स से वापस चली जाती है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की, दैट इज चैप्टर 21 to 26, चैप्टर नंबर 21। इसमें क्या होता है, जो कैथरीन है उसे काफ़ी बुरा लगता है कि उसका जो कज़न है जो अभी अभी आया था वो वापस से जा रहा है, जिसके कारण वो काफ़ी दुखी हो जाती है। लेकिन नेली उसे बोलती है कि जब जब वो वुदरिंग हाइट्स के सर्वेंट से मिलेगी वो लिंटन की जो न्यूज़ है वो कैथरीन को देती रहेगी।
और इससे जो कैथरीन है वो खुश हो जाती है। उसके बाद एक दिन क्या होता है, जब कैथरीन जब वो 16 ईयर्स की हो चुकी होती है, वो और नेली मूर्स में जाते हैं, जो वेस्ट लैंड होते हैं वहाँ पे। वहाँ पे वो हेथक्लिफ और हेयरटन से मिलती है। तब वो बोलती है कैथरीन कि शायद वो हेयरटन से पहले भी मिल चुकी है। हेथक्लिफ उसे बताता है अपने और वुदरिंग हाइट्स के बारे में। तब कैथरीन को लगता है कि जो हेयरटन है वो उसका बेटा है, लेकिन हेथक्लिफ उसे करेक्ट करता है कि हेयरटन उसका बेटा नहीं है, उसका बेटा जो है वो वुदरिंग हाइट्स में है। और वो कैथरीन और नेली को इनवाइट करता है कि वो आए और उसके बेटे से मिले। ये बात जानकर जो कैथरीन है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि उसका बेटा लिंटन ही है, वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और वो वहाँ पर जाने के लिए वहाँ पर जाना चाहती है। लेकिन नेली जो है वो उसे वहाँ जाने से रोक नहीं पाती। जब वो वापस अपने घर आती है थ्रिश क्रॉस ग्रांच, वो अपने फादर को अपनी मीटिंग के बारे में बताती है जब वो हेथक्लिफ और हेटन से मिली थी। तो वो अपने फादर से काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाती है कि उसने वुदरिंग हाइट्स के बारे में और हेथक्लिफ के बारे में, यानी उसके अपने रिलेटिव्स के बारे में उसे कभी बताया क्यों नहीं। और वो समझ जाती है कि जो उसके फादर हैं वो हेथक्लिफ को पसंद नहीं करते। धीरे धीरे क्या होता है, जो एडगर है, क्योंकि उसकी भी तबीयत अब धीरे धीरे ख़राब होने लगती है, और कुछ टाइम बाद वो कैथरीन को परमिशन देता है कि वो हेयरटन से और हिथक्लिफ से जाके मिल सकती है। कुछ टाइम बाद एडगर की जो है मौत हो जाती है, उसे कैथरीन के बिल्कुल बगल वाली जगह पर मूर्स में दफनाया जाता है। अब क्योंकि नेली भी जो है वो उसे अलाउ करती है कि वो लिंटन से मिल सकती है। धीरे धीरे कैथरीन, यंग कैथरीन और लिंटन की नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हो जाती है। और जो हेथक्लिफ है वो ये चाहता है कि इन दोनों की जो है वो मैरिज हो जाए, और उनकी मैरिज हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि लिंटन भी जो है वो ऑलरेडी काफ़ी वीक होता है, काफ़ी पेल होता है, वो उतना स्ट्रांग नहीं होता, वो उसकी धीरे धीरे जो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, हेल्थ उसकी डिक्लाइन हो जाती है, और वो उस थोड़े टाइम बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। इस दौरान जो कैथरीन होती है वो हेथक्लिफ और हेयरटन के साथ वुदरिंग हाइट्स में रह रही होती है। जब ये बात जो नेली है, यानी जो हाउसकीपर नेली लॉकवुड को बता रही होती है, उसके थोड़े टाइम बाद क्या होता है, अब ये स्टोरी जो है हमारी प्रेजेंट में आ चुकी है, और लॉकवुड जो है अब, क्योंकि वो वहाँ नहीं रहना चाहता, वो वहाँ से वापस जाना चाहता है, वो वुदरिंग हाइट्स जाता है हीथक्लिफ से मिलने और बोलता है कि अब वो वहाँ से जा रहा है, तो अपने लिए वो कोई और टेनेंट, यानी कोई और किराएदार ढूंढ ले। वो वापस लंदन चला जाता है, और 6 महीने बाद जब वो वापस आता है, तब उसे पता चलता है कि जो हेयरटन है और कैथरीन है वो प्यार में पड़ चुके हैं, और हेथक्लिफ जो कि काफ़ी अकेला हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करता था, उसकी भी डेथ हो गई है, और उसे भी कैथरीन की बगल वाली जगह पे, यानी बिल्कुल उसके बाजू वाली प्लेस पे दफनाया जाता है। अब क्योंकि वो मर चुका होता है, और उसे हेयरटन और कैथरीन से, उनके उनके मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं, शादी कर लेते हैं। और गाइस, इसी के साथ हमारी जो ये स्टोरी है वुदरिंग हाइट्स बाय एमिली ब्रॉन्ट यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें, एंड तब तक के लिए शब्बा खैर। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।